कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से लगभग 38 लोगों को कन्वीनर क्यों बनाया गया? अजमेर में ब्लैक लिस्टेड स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया क्योंकि वे राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े व्यक्ति का था। रीट के पेपर के मुद्रण का नाम सरकार के एक मंत्री के कहने से उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया जिसके कारण खुद मंत्री जी को बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। पेपरों को शिक्षा संकुल में क्यों रखा गया जबकि RPSC या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पेपरों को पुलिस कस्टडी या ट्रेजरी में रखते हैं? क्यों एक कंटेनर के जो चालक की मौत है वो आज संदेशापद है, उसे क्यों लालच दिया गया कि जल्दी पहुंच जाओगे तो 8,000 रुपये दिए जाएंगे? सभापति महोदय, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, पर चालक की पत्नी जब खुद रीट की अभ्यर्थी थी तो ऐसे में उसे कंटेनर लाने के लिए क्यों कहा गया? पूरा प्रदेश आज बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर चाहता है क्योंकि बजट का बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और आज युवा बार पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलित है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली को चेयरमैन बनाने से पहले क्या उन्हें परीक्षा आयोजन का अनुभव था? क्या वे परीक्षा नियंत्रक थे? नहीं थे तो क्यों बनाया? और जब उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस पूरे मामलों को तो वे 20 दिन से कहाँ हैं, इसका सरकार सदन के सामने खुलासा करें। और उन्हें SOG ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या सरकार को डर है कि वे बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं? घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल पर आपको डाउट है उसकी फोटो खींचकर क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 IIT JEE या NEET का हो या CBSE UP BR राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ में डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE NEET के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लाए नंबर 1 रैंक, तो आज डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले। मंत्रियों की और मुख्यमंत्री कार्यालय के कई IAS और बड़े अधिकारियों का नाम ले सकते हैं, इस डर के मारे उनको गायब कर रखा है, ये सदन के सामने स्पष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में RPSC समेत सभी प्रमुख भर्ती संस्थाओं के मुखिया का चयन राजनीतिक स्तर पर नहीं हो, उसके लिए प्रत्यक्ष कानून बने और उसमें उसे परीक्षा आयोजन का अनुभव, पेपर का अनुभव, साथ ही उस पर शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर बैठाने से प्रदेश का युवा आज कुंठित है। सभापति महोदय, बड़ी हंसी की बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी की परीक्षा नहीं ली वे RPSC का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, वे राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, तो आखिर हम राजनीति के चलते युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? जब किसी संस्था का मुखिया उसकी पूरी प्रक्रिया को जानता ही नहीं है और उसको अपने अध्यक्ष बना दिया तो बेड़ा गर्क होना तो तय है। ये राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों की होती है जो CM साहब के सब्जी ले जाते हैं, वे RPSC चेयरमैन बन जाते हैं, वे बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, तो वो क्या न्याय करेंगे? वे युवाओं के भविष्य को क्या ध्यान रखेंगे? इस पर सदन को गहराई से विचार करना होगा। माननीय सभापति महोदय, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पदों पर बैठाने का काम केवल इन संस्थाओं में ही नहीं हो रहा है, प्रदेश की तमाम सरकारी विश्वविद्यालय में ये धंधा बेखौफ चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिन व्यक्ति को कुलपति बनाया गया वे लो विषय का ही नहीं है, उनके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री हरदेव जोशी विश्वविद्यालय में थानवी जी को कुलपति बनाया है जो योग्य नहीं, उनकी कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि प्रदेश के मुखिया जी ने डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ये कहा कि कोई कुलपति बनने को तैयार ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जबकि उनके सामने ऐसे योग्य व्यक्ति राजस्थान में बैठे हैं जिनको यदि कुलपति बनाया जाए तो निश्चित रूप से मैं माननीय सलाहकार महोदय